नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आश्चर्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन तीन लोगों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन से तीन लोग हैं जिन्हें हमारी कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें नुकसान ही होगा उनकी मदद करने के बाद, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताते हैं चाणक्य के अनमोल वचन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, फिर वह मदद धन के रूप में हो या अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के की गई हो, दोनों ही तरीकों से सही है। हमारे समाज में किसी की मदद करने को अच्छे संस्कार के रूप में दर्शाया जाता है। यह सच है कि हम मदद करने से पहले अधिक सोचते नहीं हैं। यदि हमें लगे कि किसी को मदद चाहिए तो हम झट से तैयार हो जाते हैं। मदद करने से पहले उस व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में गहराई से जानने के हम अधिक इच्छुक नहीं होते। लेकिन आचार्य चाणक्य की इस बारे में कुछ और ही राय है। चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले एवं प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने जीवन के कई उसूलों पर भी बात की है। उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न अध्ययनों द्वारा व्यक्ति के चरित्र को गहराई से प्रस्तुत किया है। इंसान की सोच और उसके विचारों को बखूबी समझकर आचार्य चाणक्य ने अपने श्लोकों द्वारा लोगों को यह समझाया है कि कब, कहां और कैसे लोगों से हमें खतरा हो सकता है, कौन सही है और कौन गलत, इन श्लोकों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। चाणक्य की यह नीतियाँ दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं नीतियों में से एक नीति लोगों की मदद करने से जुड़ी हुई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन ऐसे तीन लोग हैं जिनकी मदद कभी नहीं करनी चाहिए। यह लोग चाहे कितनी भी जरूरत में क्यों ना हो, लेकिन इनकी मदद कभी ना करें, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा है। तो चलिए आपको उन तीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद करना आचार्य चाणक्य के अनुसार खुद का नुकसान करने के समान है, इसलिए इनकी मदद करना व्यर्थ ही है। नंबर एक पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी स्त्री को परेशानी में देखना और फिर उसकी मदद के लिए जाना यह स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य के अनुसार हर एक स्त्री मदद के लायक नहीं होती है। चाणक्य का मानना है कि वो स्त्रियां जो अपनी गलतियों की वजह से परेशानी में फंस जाती है, जिनका काम ही है बुरे काम करना है और फिर समस्याओं का शिकार हो जाना है, ऐसी स्त्री की मदद करना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आप ऐसी स्त्री की मदद करने भी जाएंगे तो स्वयं किसी न किसी उलझन के शिकार हो जाएंगे। ऐसी स्त्री का बुरा स्वभाव और लक्षण ही होना उसकी समस्या का कारण है। ऐसी स्त्री से दूरी बनाए रखें और उसकी मदद कभी ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उदास होना स्वभाव का एक हिस्सा है जो परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होता है। लेकिन वे लोग जो हर समय उदास रहते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चाणक्य के अनुसार हर समय बिना किसी बड़ी बात के उदास रहने वाले लोगों से जितना जल्द हो सके दूरी बना ले, क्योंकि अगर आप इनकी मदद भी करेंगे तब भी वे अंत में खुशी जाहिर नहीं करेंगे। इनका काम ही है उदास रहना। आप कितने भी कोशिश करना ले, व्यर्थ ही उदास रहने वाले इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं, ऐसे लोगों की सोच में ही नकारात्मकता रहती है। जब तक इनकी सोच इन्हें नहीं छोड़ती तब तक आपका यह मदद करना व्यर्थ होता है, क्योंकि अंत में यह लोग फिर से खुद को, आपको या परिस्थिति को बिना किसी ठोस कारण के दोष देते हुए उदास हो जाते हैं। और नंबर तीन पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति की मदद करना। चाणक्य के अनुसार मूर्ख की मदद करने वाला इंसान स्वयं ही मूर्ख कहलाता है, क्योंकि आप एक बार मूर्ख की मदद करेंगे शायद दोबारा भी करें, लेकिन आखिर कब तक उसकी मदद करेंगे? अंत में उसकी मूर्खता उसे वापस वहीं लाकर खड़ा कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करने से आप उन्हें एक सही मुकाम तक ले जा सकते हैं तो आप गलत हैं। इन्हें सलाह देना या राह दिखाना ही मूर्खता भरा है, क्योंकि अंत में ये अपने नासमझी से सब खराब ही कर देती है। तो दोस्तों, ये थे वह तीन लोग जिनकी हमें कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हमें इन्हें मदद करते हैं तो हमारी मदद व्यर्थ है।
तो दोस्तों अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो और यह तीन बातें समझ में आई हो तो अगर आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।